नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 2 के गणित विषय के एक पाठ बिंदिया की दुकान लिया है। इस पाठ बिंदिया की दुकान में एक लड़की है बिंदिया, जिसका नाम है, उसकी मोम पापा की, उसके पिताजी की मोमबत्ती की दुकान है, जो 10 के पैकेट में और खुली एक दो ऐसे करके मोमबत्ती बेचते हैं। तो इस सहारे से इकाई दहाई सैकड़ा जोड़ना घटाना स्थानीय मान आदि समझाया गया है। इस नवाचार प्रश्न बैंक की खासियत ये होती है कि बच्चे इसमें अपने से खुद प्रश्न बनाते हैं, और जब वो खुद अपने से प्रश्न बनाते हैं और खुद अपने से उत्तर लिखते हैं तो उनमें पाठ की अवधारणा उनको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाती है। और दूसरी बात, चूँकि हम इसमें ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं, तो सारे बच्चों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा नवाचार है जिसकी सहायता से ये पाठ बिंदिया की दुकान, जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा स्थानीय मान घटाना जोड़ना आदि के बारे में चर्चा है, को अच्छे से समझाया जा सकता है और अच्छे से इसको आत्मसात किया जा सकता है। इस नवाचार में सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो बच्चों के कुछ 6-7 समूह बना दिए जाते हैं संख्या के आधार पर, कक्षा की संख्या के आधार पर 6 या 7 समूह बना दिए जाते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है, उसका ये काम होता है पाठ के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाना। और ये प्रश्न भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और व्याख्या वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक जो प्रतिनिधि होता है समूह का वो कुछ प्रश्न बनाता है, और उसके बाद जितने भी उस समूह के छात्र छात्राएं होते हैं वो उनका उत्तर लिखते हैं, कुंजी बनाते हैं। इस प्रकार से हर एक समूह की एक प्रश्न कुंजी और आंसर कुंजी, उत्तर कुंजी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद हर समूह के छात्र आपस में वो प्रश्न कुंजी उत्तर कुंजी को एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो मान लीजिए एक समूह है ए, उसके पास जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर बी समूह को दे देता है और बी के ए को दे देते हैं। तो सारे जो 6-7 क्वेश्चन बैंक बनने रहते हैं आंसर बैंक, उसके क्वेश्चन और आंसर सभी बच्चों के पास हो जाते हैं, सभी विद्यार्थियों के पास हो जाते हैं। फिर उन सबको मिला के एक मेन एक मुख्य क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक तैयार किया जाता है। ध्यान देने बात ये है कि इसमें जो प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी होनी चाहिए, जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और बाकी शेष प्रश्नों की एक बढ़िया प्रश्न बैंक और आंसर बैंक बन जाता है, जिसके आधार पर पूरे पाठ की अवधारणा समझ में आ जाती है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रश्न बैंक में, जैसे 73 जो शब्द है उसको अंकों में लिखना है, या 76 जो अंक है उसको शब्दों में लिखना है, 324 को इकाई दहाई सैकड़े में आप कैसे लिखेंगे ये बताना है, या 718 को आप इकाई दहाई सैकड़े में कैसे करेंगे, कैसे इकाई में बांटेंगे, कैसे दहाई में बांटेंगे, कैसे सैकड़ा में बांटेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और किस क्वेश्चन बैंक की सहायता से बहुत अच्छे से पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है और पाठ की अवधारणा भी बच्चों को समझ में आ जाती है। इससे बच्चों की पठन क्षमता भी बढ़ती है, रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती है, और उसके अलावा बच्चों में सृजनशीलता भी बढ़ती है, डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि वो लिखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं तो लिखने की भी क्षमता उनकी बढ़ती है। इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई के अलावा कई गुणों का भी विकास छात्र छात्राओं में इस नवाचार के द्वारा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आप अपने स्कूल में, विद्यालय में, कक्षा में जरूर करेंगे, और इसका निश्चित रूप से लाभ आपको और आपके विद्यार्थी और आपके विद्यालय को जरूर मिलेगा।
यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जेड आई आई ई आई का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक जेड आई आई ई आई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है जो मोबाइल इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का है, इसको आप डाउनलोड करके इसी प्रकार से दिलचस्प, मनोरंजक और रोचक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने पठन पाठन को बहुत सरल और सहज बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।